सभी को मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा अनुलोम विलोम प्राणायाम करने की सही विधि क्या है। अनुलोम विलोम प्राणायाम ये किसी भी रोग की स्थिति में किया जा सकता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी इसे कर सकता है। बहुत ही सहज प्राणायाम है और बहुत ही सहज तरीके से इसको करना चाहिए। सबसे पहले प्राणायाम करने के लिए हमें प्राणायाम मुद्रा बनानी है। अपनी फर्स्ट और सेकंड उंगली को अपने अंगूठे के बेस में टच करें, अंगूठे से अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट से श्वास को धीरे धीरे अंदर लें। पूरा ध्यान श्वास के ऊपर रखें, लेफ्ट को बंद करें, राइट से श्वास को बाहर छोड़ें, फिर राइट से श्वास लें, लेफ्ट से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ो। इस प्रकार से इस प्राणायाम का अभ्यास हमें करना है। लेफ्ट से लेना है सहजता पूर्वक, जितना समय श्वास को लेने में लगता है उतना ही समय राइट से छोड़ने में लगाओ, फिर जितना समय छोड़ने में लगाया उतना ही समय राइट से श्वास को भरने में लगाओ, फिर लेफ्ट से बाहर छोड़ो। इस प्रकार से एक समान भाव से ध्यान को श्वास के ऊपर रखें, पूरा अपनी नाड़ियों के ऊपर रखें। इंदा पिंगला दोनों नाड़ियों को ये प्राणायाम प्रभावित करता है। इंदा और पिंगला ये हमारे शरीर में बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है और शरीर में संपूर्ण ऊर्जा के संचार को बढ़ाती है। इन नाड़ियों को एक्टिवेट किया जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास आप धीरे धीरे सहजतापूर्वक करें। अब इसमें आप त्रुटि कहाँ करते हैं इसको अभी आप देखें एक बार, आप गलत कहाँ करते हैं। आप सबसे पहले तो प्राणायाम मुद्रा नहीं बनाते, दूसरा अंगूठे को बंद किया, अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को और लेफ्ट से श्वास को लिया, बंद किया लेफ्ट को, राइट से जोर से छोड़ देते हैं ऐसे, इस प्रकार से, तो ये गलत हो जाता है। आप ले रहे सहजता से और छोड़ रहे जोर से, फोर्स के साथ, ऐसा नहीं करना है। सहजता से ही लेना है, सहजता से ही छोड़ना है, या आप ले रहे फोर्स के साथ छोड़ रहे सहजता से, ऐसा नहीं। अनुलोम विलोम का अर्थ ही है कि जैसे आपने लिया अनुलोम विलोम उसका उल्टा वैसे ही आपने छोड़ दिया दूसरी नासिका से। तो सावधानी पूर्वक करना है, ठीक करना है। प्राणायाम के अभ्यास करने से बहुत अधिक लाभ होता है यदि आप ठीक से करें, गाइडेंस में करें, ठीक से सीखें, उसका अभ्यास करें, तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। आपके संपूर्ण रोगों का शमन करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आपकी स्किन प्रॉब्लम, हेयर फॉल, आईसाइट की प्रॉब्लम, बहुत तरह की जो शरीर में कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं उनको दूर करता है। तो अनुलोम विलोम बहुत ही सहज प्राणायाम है, कोई भी कर सकता है इसे। रोगों की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी है, और यदि आप साधना की दृष्टि से करना चाहते हैं, रोगों के साथ साथ आप अपने जीवन को साधना चाहते हैं, तो नाड़ी शोधन जो इसका वास्तविक रूप है अनुलोम विलोम का, उसका आप अभ्यास करें। उसकी हमने वीडियो बनाई है, आप वीडियो में जाकर देखें कि नाड़ी शोधन कैसे करेंगे। उसमें हम बंद लगाएंगे, कुंभक लगाएंगे, और उसमें ध्यान की और गहराई में आपको जाना होगा, तो आपका नाड़ी शोधन हो जाता है। तो अनुलोम विलोम आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। ऐसे ही कुछ योग आयुर्वेद से संबंधित नए टॉपिक्स के साथ हम फिर मिलेंगे आपको। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सही विधि से सीखें, और आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।